तो मैं तो बोलूंगा कि तुम उसी का डिटेल पहले करो, ये पूरा जो है ना टॉपिक का डिटेलिंग करो, तब तुम्हें क्लियर होगा। ये जो तुम्हारा ये क्लोनिंग वेक्टर है, क्लोनिंग वेक्टर किसे कहते हैं, जो तुम्हारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को, फॉरेन जीन को ले जाएगा ना, तुम्हारे जीन को बैक्टीरिया तक पहुंचाएगा। तो इस क्लोनिंग वेक्टर होने के लिए कुछ रूल है। सबसे पहला रूल है, जो पेज नंबर यहां से स्टार्ट हो रहा है, सबसे पहले ओ आर आई साइट, ये खुद अपने आप को रिप्लीकेट कर सकता है ना, इनमें अपने आप रेप्लिकेशन की पावर है, ये खुद से रेप्लिकेट कर सकते हैं, अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो जहां से वो रेप्लिकेशन होगा उसे ओआरआई साइट कहेंगे। सेकेंड चीज, तो आपको ओआरआई पता चल गया। सबसे पहले ओआरआई का मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, जहां से उसका रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, अब ये बैक्टीरिया के अंदर जाएगा तो बैक्टीरिया बोलेगा, मैं तुम्हारे लिए क्यों रेप्लिकेशन करूं, मैं तुम्हारे लिए क्यों रेप्लिकेटिंग एंजाइम बनाऊं। तो ये खुद से एक ROP, एक जीन ले जाएगा जिसका नाम है रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन, जिससे वो खुद से अपना रेप्लिकेशन करने वाले जो एंजाइम है वो प्रोटीन बनाएंगे, जिससे इसका आसानी से रेप्लिकेशन हो सके। तो ROP समझ में आया, यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है, ये आपके प्लाज्मिड थे, आपने प्लाज्मिड को कट किया, प्लाज्मिड को कट किया और यहाँ पर जीन ऑफ इंटरेस्ट को आपने ऐड कर दिया, यहाँ पर जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड कर दिया, और ये आपने भेज दिया है कहाँ, तो ये आपने भेज दिया है बैक्टीरिया के अंदर में। तो बैक्टीरिया के अंदर में ये जब जाएंगे, ये बैक्टीरिया के अंदर ये चले गए, तो सबसे पहला ये अपने आप को खुद से रेप्लीकेट कर सकते हैं। तो इनके पास में क्या है, ओ आर आई साइट है, जिससे अपने आप को ये खुद से वहां रेप्लीकेट कर सके। तो ये अपने आप को रेप्लीकेट करने वाला पार्ट है, ये खुद से अपने आप को रेप्लीकेट करेंगे, अपने ढेर सारी कॉपीज बना सकते हैं। चलिए, सेकेंड चीज है, रेप्लिकेशन करने के लिए तुम्हें चाहिए एंजाइम्स, डीएनए पॉलीमरेज, ये सब चाहिए ना, टोपोइसोमरेज, बहुत सारे एंजाइम्स चाहिए रेप्लिकेशन करने के लिए, ढेर सारे एंजाइम चाहिए। तो ये एंजाइम यानी जो प्रोटीन चाहिए रेप्लिकेशन करने के लिए, वो कौन बनाएगा, तो क्या होस्ट का यूज करोगे, नहीं, इसलिए इनके पास में अपना ROP है, जिससे वो अपना रेप्लिकेशन करने वाले प्रोटीन बनाएंगे। इनके पास अपने रेप्लिकेशन करने वाले प्रोटीन खुद से बनाएंगे, जिससे इनका रेप्लिकेशन आसानी से होस्ट के अंदर में हो सके। तो दो चीज याद हो गए, यानी कि सबसे पहले इनके पास होना क्या चाहिए, ओआरआई साइट, सेकेंड क्या होना चाहिए, ROP, जो अपने आप को रेप्लिकेट करने वाले प्रोटीन बनाएंगे। तीसरा, अब यहां पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट होगा, ये जो है वहां पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट मारना पड़ेगा। तो जहां पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट मारेगा उसी को कहेंगे हम लोग रिकॉग्निशन साइट, जहां पर वो पहचानेगा और वहां पर से कट मारेगा, या इसी को कह सकते हैं क्लोनिंग साइट, क्योंकि वहीं पर तुम अपने फॉरेन जीन को जोड़ने वाले हो। तो यहां पर आपके PBR322 में जो आपके क्लोनिंग साइट है वो कितने तरह के दे रखे हैं, पहले आप ध्यान से काउंट कीजिए। तो वहां पर देखिए, आपको दिखेगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8 दिखेंगे। अब 8 को कैसे याद करो, सबसे पहले आप देखिए, ध्यान से क्लॉकवाइज चलो, सबसे पहले क्लॉकवाइज ध्यान से करो, बी से स्टार्ट करो, BAM H1। तो सबसे पहले यहां पास BAM H1 का क्लोनिंग साइट दिखेगा, यानी BAM H1 से ये कट हो जाएगा। तो सबसे पहले बी याद करो, बी फॉर बायोलॉजी याद कर लो। चलो, एस मतलब में, ठीक है, एस आप याद कर लीजिए, कोई तो टीचर है एस से उनका नाम है बायोलॉजी जो पढ़ा रहे, चलो मेरा नाम भी एस से ही है। चलो, सेकंड आपको क्या करना है भाई, एक फिजिक्स, फिजिक्स के कितने टीचर पढ़ा रहे, तो मान लो यहाँ पास अवंती में एक दो टीचर पढ़ा रहे होंगे, आपको अपने क्लासमेट्स में स्कूल में भी पढ़ा रहे होंगे, तो मान लो आपको फिजिक्स बच्चे 3 टीचर पढ़ा रहे, तो पी से यानी फिजिक्स से 3 टीचर है, एक का नाम है PVU2, एक का नाम PST1, एक का नाम PUV1, तो पी से 3 है। इसके बाद में आप याद करो, फिर कौन है, आपको जो बोर्ड का एग्जाम दोगे क्या उसमें इंग्लिश दोगे, ई फॉर इंग्लिश एक याद कर लो, क्या केमिस्ट्री का एग्जाम दोगे, हाँ सर देंगे, तो सी फे केमिस्ट्री एक याद करो, सी से, क्या हिंदी भी दोगे, हाँ सर 10th 12th में तो हिंदी हिंदी भी देते थे, तो एक एच से यानी हिंदी याद कर लो। तो तुम्हारा एक लॉजिक, एक ट्रिक सेट हो जाएगा, समझ में आया। पहले आप क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करो, तो सबसे पहले बी आया, बॉटनी या बायोलॉजी, एस आ गया टीचर का नाम, फिर आपको फिजिक्स याद कर लीजिए, फिजिक्स आपके 3 टीचर है, तो यहां से आपको याद करने पड़ेगा PVU2, PST1, PUV1, 3 P से हो गए। चलिए, फिर आपको E फॉर इंग्लिश याद कर लीजिए, फिर C केमिस्ट्री, और फिर ECH याद करो ना, ECH, E फॉर इंग्लिश यानी इकोर 1,
सी फॉर केमिस्ट्री वाला है और एच फॉर क्या है हिंदी वाले, तो ये आपको सीक्वेंस याद हो जाएगा तो काम बन जाएगा। अब आपको अगर क्लोनिंग वेक्टर रखना है तो उसमें क्या होना चाहिए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होने चाहिए, तो दो है ए और टी। अब क्या करो क्लॉकवाइज चलो, तो क्लॉकवाइज चलेंगे ठीक है, तो आप देखिएगा ए आएगा, ए फॉर क्या है भाई एएमपीआर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, और ए का नाम है टीईटीआर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। तो ओवरऑल थोड़ा सा देखोगे तो याद तो हो जाना चाहिए, अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पर याद हो जाएगा। देखो क्या क्या मैंने बनाया, तो सबसे पहले मैंने क्या याद करने के लिए बोला कि इसके अंदर में अपने ओआरआई साइट है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट है, पहला हो गया। ये रेप्लिकेशन करने वाले प्रोटीन खुद से बनाएगा, यानी ये हो गया आरओपी रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन बनाने वाले। इसके बाद में मैंने बनाया ए और टी, यहां पास है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन एएमपीआर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, और ये आपके टीईटीआर, ये है आपके टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, ये हो गए दो हो गए। फिर आपको कितने याद करने थे, तो मैंने क्या क्या बोला था, यहां पर सब याद कर लीजिए, बी बी फॉर बायोलॉजी एक था, एस से नाम था यहाँ पर एस वाला हो गया, फिर तीन फिजिक्स से याद करिए, पी यहां पास थे पी यहां पास थे पी यहां पास थे, तीन फिजिक्स के याद हो गए। फिर मैंने क्या बोला था, फिजिक्स के बाद में मैंने क्या बोला था इंग्लिश ई फोर होंगे, फिर मैंने क्या बोला था केमिस्ट्री, फिर क्या थे हिंदी। तो ऐसे अगर याद करोगे ट्रिक्स के फॉर्म में तो याद हो जाएंगे, अदरवाइज बड़ा डिफिकल्ट काम। तो कुछ ट्रिक सेट हुआ, बोलो सर। सर मतलब ये जो एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन ये रेजिस्टेंस जीन है ना एंटीबायोटिक, तो ये मतलब एंटीबायोटिक को होने से रोकते हैं। एंटीबायोटिक जब आप ड्रग डालिएगा तो ये अपना बचाव कर लेंगे, तुम बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक्स यूज करोगे तो ये एंटीबायोटिक्स से अपने आपको बचाने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैंने आपको लेक्चर भेजा था, तुमने देखा नहीं, मैंने बोला था वो पूरा अच्छे से क्लीन नीट क्लीन अच्छे से उस पर मेहनत करो, तुम यहाँ एनसीईआरटी पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा, नहीं तो मुझे पूरा एक घंटा लगेगा, बोलो तो मैं बता देता हूँ। सर आपने लेक्चर भेजा है इसका? मैंने बहुत पहले भी भेजा था, फिर किसी ने मांगा नहीं, फिर मैंने भेजा नहीं। सर आपने चार रिवीजन लेक्चर वाली भी वीडियो भेजी है, वो देखनी है। चलो ये मैं क्लोनिंग वाला आज भेज दूंगा, ठीक है आप कर लेना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, नहीं तो फिर ये डिफिकल्ट लगेगा, तुम पढ़ोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं पढ़ाने का पढ़ा दूंगी लेकिन तुम्हारा ही टाइम ये हो जाएगा। सर इससे दूसरा वाला भी है ना 12 वाला बायोटेक, वो भी उसका भी भेज देना, वो तो थोड़ा आसान है, वो तो इजी वाला पार्ट है, वो तो है सारे लेक्चर बने हुए, वो मांग लेना ना, जहां पर जो भी डिफिकल्टी हो जिस पार्ट में, ये वाला मैं बार बार बोल रहा हूँ इसको अच्छे से करो, अच्छे से कीजिए इसको, तो ये मैं भेज दूंगा। चलिए चलो आगे चले हम लोग इकोलॉजी वाले पार्ट में, कुछ याद है इकोलॉजी वाला पार्ट, सब भूल गए? याद है सर। यस सर याद है। चलो तो मैंने इकोलॉजी वाले में सबसे पहले आपको स्टार्ट किया था पॉपुलेशन इंटरेक्शन में, सबसे पहले आपको मैंने बताया था म्यूचुअलिज्म, याद कीजिए फटाफट एक बार रिवाइज करते हैं एक मिनट में फिर आगे बढ़े। म्यूचुअलिज्म के अंदर में मैंने आपको बताया था इसमें दो अलग अलग स्पीसीज के मेंबर पास में आएंगे, दो स्पीसीज के मेंबर पास में आएंगे और दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट होगा, ए को भी बेनिफिट होगा बी को भी बेनिफिट होंगे, दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट होंगे ठीक है। तो सर इसके एग्जाम्पल क्या थे, तो इसके एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में सबसे पहले लाइकेन वाला था, याद करो एल्गी और फंजाई दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट होता था, एल्गी खाना बनाता था फंगस उसे रहने के लिए जगह देता था। फिर मैंने आपको बताया था माइकोराइजा, ये रूट और फंगस का रिलेशन था, रूट क्या देगा खाना देगा, फंगस क्या देगा उसके लिए पानी मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके लाएगा। तीसरा मैंने आपको बताया था यहाँ पे एनसीईआरटी में थे फिग और वास्प का, फिग एक प्लांट है और वास्प एक इंसेक्ट्स है, वास्प जब भी अपने अंडे को ले करेगा एक ले का, जिसे एनसीईआरटी ने कहा ओबी पोजिशन, एक ले करेगा कहां करेगा फिग नाम के प्लांट के अंदर में, उसके जो फ्लावर के गुच्छे हैं जिसे मैंने कहा था इनफ्लोरेसेंस वहां, और जबकि फिग को फायदा क्या होगा कि इसका पॉलिनेशन हो जाएगा, तो फिग और वास्प का एनसीईआरटी में फिगर भी बना था। इसी तरह से आपने एक और पढ़ा होगा यक्का एक प्लांट है, यक्का प्लांट एंड मॉस का रिलेशन, ये आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा होगा, सेम कहानी है यक्का प्लांट है मॉस इंसेक्ट्स है, मॉस क्या करेगा तो अपना एग को यहां ले करेगा अपने अंडे ले करेगा,
बदले में यक्का का ये क्या करा देगा, पोलिनेशन करा देगा, दोनों को बेनिफिट। फिर आपके एनसीईआरटी में एक लास्ट में था जिसमें था ऑर्किड प्लांट, ऑर्किड और यहां थे बी का रिलेशनशिप, जिसमें आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया था स्यूडो कॉपुलेशन, झूठा कॉपुलेशन, बी बिल्डिंग डाइवर्सिटी ना, अनकैनी रिजेंबलेंस। याद कीजिए कि ऑर्किड का प्लांट जो है पोलिनेशन कराने के लिए क्या करता है, वो फीमेल बीज की तरह रिजेंबल कर जाता है, तो मेल का बीज उसके तरफ अट्रैक्ट होता है और इससे पोलिनेशन हो जाते हैं। तो ये थे आपके म्यूचुअलिज्म, डन, एनसीईआरटी पूरा कवर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ना है वो एनसीईआरटी का पढ़ना है कॉमेंसलिज्म। आपको नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है एनसीईआरटी का वो है कॉमेंसलिज्म। सर कॉमेंसलिज्म में क्या होगा, हाँ इसमें भी दो स्पीसीज के मेंबर ए और बी के मेंबर पास आएंगे, इनमें एक को तो बेनिफिट मिलेगा प्लस को मिलेगा, दूसरे को तो पता भी नहीं चलेगा। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे तो शायद बेनिफिट हो रहा है, तुम्हें बेटा कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, तो एक तरह से तुम्हें तो पता ही नहीं चल रहा है, जीरो, और एक को बेनिफिट हो गया प्लस। सर एग्जाम्पल, तो एनसीईआरटी में पांच एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला एग्जाम्पल है कि एक ऑर्किड नाम का, ऑर्किड जो अभी मैंने बताया था ना वही ऑर्किड जो प्लांट है वो बहुत छोटा होता है, डेंस घने जंगलों में उसे सनलाइट मिल नहीं पाता क्योंकि हाइट काफी कम है। अगर उसे हाइट कम है सनलाइट मिलेगा नहीं, फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाएगा। तो इसने क्या किया, ये मैंगो के प्लांट के पास जाता है, मैंगो के प्लांट को बोलता है कि देखिए मैंगो का प्लांट, मैं आपसे रहने के लिए खाने के लिए मैं पैरासाइट नहीं हूं, मैं आपसे खाना पानी न्यूट्रिएंट मिनरल्स नहीं मांगता हूं, बस आप क्या करो अपने ब्रांच, जो आपके ब्रांच है ना बड़े बड़े, वो ब्रांच मुझे दे दो रहने के लिए, केवल स्पेस दे दीजिए और मैं इस पे आराम से रह लूंगा, मैं ऊपर में रहूंगा, मेरा अपना रूट होगा हैंगिंग रूट, जिससे मैं बाहर के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके पानी का भरपाई कर लूंगा, आपका जो वेस्ट मटेरियल होगा ना डिग्रेड डिकम्पोज वाला उससे मैं न्यूट्रिएंट ले लूंगा, मिनरल्स ले लूंगा, मैं खुद से अपना फोटोसिंथेसिस करके खुद से खाना बनाऊंगा, मैं भाई पैरासाइट नहीं हूं, बस मुझे स्पेस दे दीजिए रहने के लिए, जगह दे दीजिए। तो ऐसे प्लांट को कहते हैं एपिफाइट्स, ईपी मतलब एवोफाइट, एक प्लांट के ऊपर में दूसरा प्लांट ग्रो कर रहा है। जाहिर सी बात है कि इसमें ऑर्किड प्लांट को क्या हो जाएगा, ऑर्किड प्लांट को फायदा हो गया क्योंकि उसको जगह मिल गई जिसे प्रॉपर फोटोसिंथेसिस कर सकता है, और जो सेकेंड मैंगो का प्लांट उसे तो कोई फायदा भी नहीं है ना कोई नुकसान है, नुकसान भी नहीं है, यानी तुम्हारे पास बहुत बड़ा घर है, किसी इंसान को दे दिया भाई रह लो, उसको तो बेचारे को फायदा हो गया, तुम्हारा ऐसे भी तुम यूज नहीं कर रहे थे उस जगह का यूज नहीं कर रहे थे, वो तुम्हारा तो कोई बेनिफिट हुआ नहीं, तो तुम्हें क्या मिलेगा, जीरो। तो ऑर्किड और मैंगो का प्लांट याद रहेगा जिसको आपके एनसीईआरटी ने लिखा एपिफाइट्स, एक प्लांट के ऊपर में दूसरे प्लांट ग्रो कर गए, किसके लिए याद रखिएगा, स्पेस के लिए, न्यूट्रिएंट के लिए नहीं, ये पैरासाइट नहीं। चलो दूसरा एनसीईआरटी ने बोला, बड़ा क्लासिकल एग्जाम्पल है कैटल्स, कैटल्स एंड एग्रेट बर्ड, कैटल्स और एग्रेट बर्ड, बोली ये कहा है। तो एनसीईआरटी ने बोला कभी आप जाकर के विलेज में अपने गांव के एरिया में गए होगे तो दिखा होगा, गांव के एरिया में जाइए वहां पर आपको ऐसा दिखा होगा। बोले क्या है मतलब, देखिए एग्रेट बर्ड कहने का मतलब बगुला, नाम सुना होगा, व्हाइट कलर का होता है, इंसेक्ट्स खाता है वो, तो वो क्या करता है बड़े बड़े ग्रास के बीच में जाता है और इंसेक्ट्स को ढूंढ के खाता है, इंसेक्ट्स ग्रीन कलर के वो तुरंत छुप जाते हैं, वो बड़े बड़े ग्रास में बेचारे छुप जाते हैं, तो जो एग्रेट बर्ड है बगुला है उसे इंसेक्ट्स मिल ही नहीं पाता, तो क्या करे भाई, तो वो कैटल्स के पीछे, यानी गाय वाय है, गाय भैंस बकरी है, ये गाय के पीछे में, कैटल्स के पीछे में रहती है, कैटल्स जैसे ही ग्रास के ऊपर पैर रखेगा तो बहुत सारे इंसेक्ट्स पैर के नीचे दब जाएंगे, पैर रखा भारी भर का पैर से दब गए, बहुत सारे इंसेक्ट दब गए, अब क्या होंगे, जैसे ही इंसेक्ट्स जैसे ही कैटल्स पैर उठाएगा तो इंसेक्ट्स बाहर में निकलेंगे, उसे लगेगा भाई दब गए हैं, दम घुट रहा है, जैसे ही पैर हटा तो ये बेचारे तुरंत बाहर निकलेंगे और ग्रास बचा दब जाएगा, ग्रास दब गया इंसेक्ट्स भी उसके अंदर दबे हुए, जैसे उसने पैर हटाया इंसेक्ट जैसे ही बाहर निकलेगा तो पीछे में कौन बड़ा हुआ है, बैठा हुआ था बर्ड्स, बर्ड्स को आसानी से इंसेक्ट दिख जाएंगे और उसे खा लेगा, तो इसमें बेनिफिट किसको हो गया बोलो, बर्ड्स को इंसेक्ट्स मिल गए यानी फूड मिल गया, कैटल्स को तो पता भी नहीं चला कि उसका कुछ बेनिफिट किसी ने ले लिया है, तो इसे क्या मिला, जीरो। तो ये आपके एनसीईआरटी में लिखा है क्लासिकल एग्जांपल, अगर आपने रूरल एरिया यानी गांव वाले एरिया में अगर कभी देखा होगा तो देखिएगा, बड़े बड़े ग्रास होते हैं, पानी वानी थोड़े से ग्रास है,
तो कैटल्स चलता है, उसके पीछे भी ये लोग बर्ड्स लोग बैठे रहते हैं। जैसे ही कैटल्स पैर रखा, ग्रास दब गए, इंसेक्ट्स दब गए, जैसे ही पैर उठाएगा थोड़े बहुत इंसेक्ट बाहर निकलेंगे और एग्रेट बर्ड यानी कि जो बगुला है उसे आसानी से कैच कर लेगा। तो बर्ड्स को तो बेनिफिट हो गया कि उसे फूड मिल गया, इंसेक्ट्स मिल गए, लेकिन कैटल्स को तो कुछ पता ही नहीं चला। यानी जी आगे बात समझ में, फटाफट बोलो, सभी को क्लियर है ये? दूसरा एग्जांपल बोलो, किसे किसे क्लियर हो गया? सेकंड एग्जांपल सभी को क्लियर है? यस नो हैंड रेस जल्दी करो क्योंकि पता नहीं चला। यस सर। चलिए आओ गया। चलिए थर्ड एग्जांपल की तरफ हम लोग चले। थर्ड एग्जांपल देखो, कहानी है, कहानी को केवल समझना है। एनसीईआरटी ने थर्ड दिया बच्चा क्लोन फिश और सी एनीमोन। ध्यान सुनिए, सी एनीमोन ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया तो था उस दिन। सी एनीमोन देखिए, सी एनीमोन ये है, सी एनीमोन के पास में क्या है भाई, टेंटेकल्स है। और ये बच्चा न्यूरोटॉक्सिक होते, बहुत जहरीले होते, किसी को अगर मार दे वो एनिमल्स बच्चा मर जाएगा। आपने पढ़ा है एनिमल किंगडम में, ये जो टेंटिकल्स होते हैं उनके अंदर में हिप्नोटॉक्सिन कुछ ना पॉइजन होता है, इसलिए कोई एनिमल इनके पास जाना पसंद नहीं करता क्योंकि टेंटिकल्स बड़ा टॉक्सिक होते हैं। ठीक है, इसी के आसपास में एक बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही टेस्टी एक मछली है जिसका नाम है बच्चा क्लोन फिश। ये देखिए, ये क्लोन फिश है। हाँ, अगर कभी आपने मूवी वगैरह देखा होगा या एनिमेशन देखा होगा तो ये ऑरेंज कलर की मछलियां दिखती है, देखना क्लोन फिश डाल करके गूगल पे। तो क्लोन फिश कहाँ है भाई, आसपास पानी में है, और क्लोन फिश काफी ज्यादा टेस्टी है, खाने में अच्छी लगती है। तो इनके ऊपर में कौन पड़ा हुआ है, प्रीडेटर। प्रीडेटर चाहता है कि हम क्लोन फिश को खाएं, शिकार करें। ठीक है, तो क्लोन फिश के ऊपर में ये झपट्टा मारता है। क्लोन फिश अपनी जान बचाने के लिए चलती है और जाकर के वो छुप जाती है कहां, टेंटिकल्स के बीचों बीच, यानी सी एनिमोन के टेंटिकल्स के बीच में सारी क्लोन फिश छुप जाती है। अब प्रीडेटर का हिम्मत नहीं है, प्रीडेटर आया हिम्मत नहीं है कि वो सी एनिमोन के पास जाए, क्योंकि सी एनिमोन में है क्या, टॉक्सिन, अगर एक टेंटिकल्स भी मर गया तो मेरा लाइफ खत्म हो जाएगी। तो प्रीडेटर बच्चा दबे पांव पीछे भाग जाता है, बैक गियर ले लिया, भाग गया। तो तुम बोलोगे सर कि सी एनिमोन को भी तो नुकसान हो गया, क्योंकि सी एनिमोन से भी तो नुकसान होगा, कि क्लोन फिश को तो नुकसान होगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले याद रखना कि इस क्लोन फिश को कोई नुकसान नहीं होना है। क्यों सर, टेंटिकल्स मारेगी ना। देखिए, सबसे पहली बात कि सी एनिमोन का बॉडी, जो क्लोन फिश का जो बॉडी है, स्किन है, अपने आप को अडेप्ट कर चुका है टेंटिकल से, यानी एक दो टेंटिकल्स अगर लग भी जाए तो बॉडी अडेप्टेड है, कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरा रीजन, इनके बाप दादा भी यहीं से रहते थे, यानी कि ये हमेशा से इनके साथ ही रहते हैं, तो एक दोस्ताना बना हुआ है, दोस्ती बनी हुई है। तो सी एनिमोन कभी भी जबरदस्ती क्लोन फिश के ऊपर में कोई टेंटिकल्स मारता नहीं है, जिससे कि अगर गलती से भी उसे टच नहीं करे। चलिए तीसरी बात, और ये हमेशा थोड़ी सी दूरी बना के भी रखती है, क्लोन फिश थोड़ी सी दूरी बना के भी रखती है, जिससे कि क्लोन फिश अपने आप को हमेशा बचा के रख सके। तो क्लोन फिश को क्या फायदा हो गया, ये प्रीडेटर से बच गए, प्लस सी एनिमोन को तो पता भी नहीं चला कि इसके चलते किसी का बेनिफिट हो रहा है, तो इसको क्या हो गया, जीरो। तो डन, समझ में आ गई सभी को बात, फटाफट बोलो, हैंड रेस करो, आगे चलते। क्लोन फिश एनिमोन का कहानी समझ में आ गया है सभी को, डन, आगे चले हम लोग। यस सर। यस सर। अब चलिए फोर्थ, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है बार्निकल्स एंड व्हेल। अब एनसीईआरटी का एग्जांपल है बार्निकल एंड व्हेल का एग्जांपल, बार्निकल एंड व्हेल, ध्यान सुनो। मान लो बच्चा एक बड़ा सा फॉरेस्ट है, बड़ा सा फॉरेस्ट है, और फॉरेस्ट में मान लो इस एरिया में बच्चा ए वाले पार्ट में मान लो फूड की स्कार्सिटी होगी, खाने की कमी होगी, बारिश नहीं हुआ, बहुत बड़ा फॉरेस्ट था, और ए वाले में पानी नहीं हुई, फूड की कमी हो गई, तो क्या करेंगे, यहाँ के जितने भी स्पीसीज है, 1000 स्पीसीज थे, जितने भी एनिमल के स्पीसीज थे, सभी के सभी बी एरिया में माइग्रेट कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर फूड की कमी है, मानो जंगल में आग लग गई, तो क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह पूरी तरह से माइग्रेशन हो जाएगा। जब वापस से ए वाले पार्ट में वापस से फूड अवेलेबल हो जाएगा, तो ये सारे के सारे वापस लौट भी जाएंगे, यानी कि फॉरेस्ट के अंदर में लार्ज स्केल में क्या होता है, माइग्रेशन। आई बात समझ में। चल इसी तरह से ओशन, समुद्र के अंदर, ध्यान सुनना, बहुत बड़ा समुद्र है,
समुद्र के अंदर में मान लो ये ए नाम का एरिया है और यहाँ फूड की स्कार्सिटी हो गई, फूड की कमी हो गई, तो यहाँ के जितने भी एनिमल्स है, फिश है, वेल मछली है, जो भी ऑर्गेनिज्म है, सभी के सभी कहाँ माइग्रेट करेंगे? बी के तरफ। इसी दौरान में कुछ नॉन मोटाइल ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि बार्निकल्स। बार्निकल्स क्या होता है? सेसाइल है, नॉन मोटाइल, चल नहीं सकता। बार्निकल्स बोले ठीक है सर ये होते क्या है? आपने नाम सुने स्नेल वाला, मोलस्क फैमिली, उसी से बिलोंग करेंगे, सेसाइल होते चल नहीं सकते। तो ये करेंगे क्या सर? नॉन मोटाइल है, चल नहीं सकते, तो करेंगे क्या? कैसे जाएंगे? हजारों किलोमीटर दूर जाना है ए से बी की तरफ, क्योंकि यहाँ फूड की कमी हो गई है। तो इन लोग क्या करेंगे? वेल मछली, जो बड़ी सी मछली है, वेल मछली, वेल के बॉडी से चिपक जाएंगे। तो ये वेल है, वेल के बॉडी में कौन चिपक गया भाई? बार्निकल्स। ठीक है, छोटे छोटे होते हैं, वेल मछली बहुत बड़ी होती है, चिपक गए। अब वेल मछली ए से बी की तरफ जब माइग्रेट करेगी, तो देखिए ये वेल मछली जो है वो कहां माइग्रेट करके पहुंच गई? पहुंच गए बी के साइड में, क्योंकि खाना वहां अवेलेबल था। तो ये सारे के सारे बार्निकल्स भी तो वहां पहुंच गए, इनको भी आसानी से उस एरिया में खाना मिल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? कुछ महीनों के बाद में ये वापस से रिटर्न होना है, तो रिटर्न का टिकट भी कौन देगा? वही वेल मछली के हेल्प से ये यहां पहुंच गए। तो क्या फ्री ट्रांसपोर्ट मिल गया? बार्निकल्स चल नहीं सकता था, हजारों किलोमीटर दूर जाना है, ओशन के अंदर में जाएगा कैसे? तो इन्होंने वेल मछली के ऊपर चिपक गए, वेल मछली जब चलेगी ये भी फ्री ट्रांसपोर्ट मिल गया, उस एरिया में गए तो खाना भी फ्री में मिल गया भाई, अब वापस लौट भी जाएंगे। तो कई बार होता क्या है कि वेल मछली को जब पकड़ा जाता है तो बॉडी के ऊपर में बहुत सारे बार्निकल्स होते, छोटे छोटे चिपके रहते, तो लोगों को लगता है कि ये बार्निकल्स ना पैरासाइट है। नहीं नहीं, पैरासाइट नहीं, पैरासाइट नहीं है। तो सर है क्या? पैरासाइट नहीं है, ये तो बच्चा कॉमेंसलिज्म है। यहां पर बार्निकल्स उससे कोई खाना नहीं मांग रहा, उससे कुछ मांग नहीं रहा चुपचाप, बस बोल रहा फ्री ट्रांसपोर्ट दे दो, मुझे एक से दूसरे जगह पहुंचा दो, और जब वापस लौटना तो मुझे वापस लेते आइएगा, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बदले में मैं आपसे खाना भी नहीं ले रहा हूं, आपसे कोई बेनिफिट नहीं ले रहा हूं, बस मुझे फ्री ट्रांसपोर्ट दे दीजिए तो मेरा थोड़ा भला हो जाएगा। तो इसको मिल गया प्लस, और वेल मछली को तो पता भी नहीं चला उसकी स्किन से इतने सारे लोग जुड़े हैं और फ्री ट्रांसपोर्ट का फायदा ले रहे हैं, तो इसको मिल गया जीरो। क्या आपको एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल क्लियर हो गए? फटाफट बोलिए, क्या एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल क्लियर है? सर इसी को इनिग्रेशन कहेंगे। हाँ इसी को कहेंगे, क्योंकि वापस लौट के भी आना है। तो आप देख सकते हैं आपको मिल जाएगा ना सारा चीज। तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल फटाफट मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, चार एग्जाम्पल एनसीईआरटी के, ठीक है, चार ही है एनसीईआरटी में। पहला है एपीफाइट्स, यानी ऑर्किड प्लांट मैंगो के ब्रांच पे रहेगा, स्पेस लेगा, तो ऑर्किड को फायदा हो, मैंगो को नुकसान नहीं हो रहा है, जीरो। दूसरा मैंने क्लासिकल एग्जाम्पल एग्रेट बर्ड बगुला, और मैंने कैटल्स यानी गाय की एग्जाम्पल बताई, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कौन सा भाई? तो तीसरा आपको मैंने बताया क्लोन फिश एंड सी एनीमोन का। चौथा मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया, देखिए एनसीईआरटी में मिल जाएगा यहाँ पर कौन सा है। तो फोर्थ है बार्निकल्स एंड व्हेल का एग्जाम्पल। डन, सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट बड़ा एक डिफिकल्ट सा टॉपिक पे चलते हैं, जिसको आपके एनसीईआरटी ने कहा है कॉम्पिटिशन। तो ध्यान से सुनिए, चलो पहले मैं पानी पी लेता हूँ। सर हमने उसे क्लासिक क्यों बोला था सर, एक बार रिपीट कर दो। अच्छा सा एग्जांपल है, सबसे अच्छा सा एग्जांपल है, हमें आसानी से दिख जाता है। बाकी तुमने वेल देखा है क्या? बार्निकल्स वेल देखे? नहीं देखे। ऑर्किड मैंगो देखा? नहीं दिखा। क्या तुमने सी एनीमोन क्लोन फिश लाइफ में देखे? नहीं दिखे। लेकिन एग्रेट बर्ड कैटल्स वाला देखा होगा, लेकिन तुमने कभी नोटिस नहीं किया होगा। यस सर, ठीक है, आगे बात समझ में। और सर ये जो बार्निकल एक बार आ जाते हैं फिर सर ये तो जाते ही नहीं होंगे अपने आप। हाँ, इसलिए तो हमें इसको लगता है, डर लगता है कि ट्रेन से मुझे ले गया है, वापस करेगा नहीं करेगा, तो लाइफ टाइम के लिए जुड़े रहते हैं ये, उनमें लाइफ टाइम के लिए चिपके रहते हैं। इनको डर लगता है मुझे ले गया वहां छोड़ ना दे, फिर आने का भी डर है, तो वहीं पर ट्रेन पे बैठे रहो भाई, ट्रेन ले गई, ट्रेन लेते आएगी भाई, तुम्हारा तो बेनिफिट हो गया। चलिए अब हम लोग कॉम्पिटिशन पढ़ते हैं। कॉम्पिटिशन क्या है, ध्यान सुनना। कॉम्पिटिशन सबसे पहले मैंने बताया था, कॉम्पिटिशन में सबसे पहले आपको एक मिनट, कॉम्पिटिशन के अंदर में सबसे पहले आपको ए और बी नाम के स्पीसीज है, और इनमें दोनों को
क्या मिलेगा, माइनस माइनस, याद आ रहा है, दोनों को माइनस मिलेगा। साइन में गड़बड़ नहीं कीजिएगा, फिर से बोल रहा हूं, समझाया भी था, जब भी कॉम्पिटिशन देखिएगा तो आप रिजल्ट मत देखिएगा, जब तक कॉम्पिटिशन लगेगा, जब तक दो ऑर्गेनाइज कॉम्पिटिशन में है, दो पहलवान कॉम्पिटिशन में है, दोनों एक दूसरे से लड़ाई करेंगे, दोनों का एनर्जी वेस्ट होगा, दोनों का माइनस मिलेगा। रिजल्ट को मत देखिएगा कि एक को गोल्ड मेडल मिला, एक को कुछ नहीं मिला, तो कभी भी रिजल्ट नहीं देखना है। आपके फ्रेंड में कॉम्पिटिशन है, आप उस कॉम्पिटिशन के चलते ज्यादा पढ़ाई कर रहे हो, तो आपका एनर्जी ज्यादा वेस्ट हो रहा है, इकोसिस्टम को तो नुकसान हो रहा है, दोनों स्पीसीज ज्यादा एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, दोनों को नुकसान हो रहा है, तो इकोलॉजी में तो ये नुकसान ही माना जाए। चलो, तो सर क्या है कॉम्पिटिशन, ध्यान सुनना, कॉम्पिटिशन पहले किनके बीच होगा, तो कॉम्पिटिशन हमें पढ़ना है, एक होगा सेम स्पीसीज के मेंबर A1 और A2 के बीच में, बंदर और बंदर के बीच में हो रहा है भाई, एक ही स्पीसीज के दो मेंबर के बीच, और एक में हो रहा है A1 और B1 के बीच। बताइए कंपटीशन कितने तरह के, दो तरह के, एक ही स्पीसीज के दो मेंबर के बीच हुआ तो इसे क्या कहेंगे, बोलो, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, ना टाइगर टाइगर के बीच, लायन लायन के बीच, लेकिन टाइगर और लायन के बीच हो तो इसे क्या कहेंगे, बोलो, इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। आगे बात समझ में सभी को, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है सभी को। अब एनसीईआरटी में लिखा है कि इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन इज अ पोटेंट फोर्स, यानी कि दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में कॉम्पिटिशन होगा तो ये फोर्स जनरेट करेगा, ये पोटेंट फोर्स है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के लिए। ये कौन बातें कही, मैंने नहीं कही, आपके डॉर्विन साहब ने कहा था, डॉर्विन हिमसेल्फ कन्विंस, डॉर्विन खुद इस बात से कन्विंस थे कि अगर इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन हुआ, दो स्पीसीज के बीच में हुए, तो यहां पर पोटेंट फोर्स बनेगा ऑर्गेनिक इवोल्यूशन करने के लिए। सर कैसे, इस चीज को हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। चलिए, तो सर कॉम्पिटिशन कब लगता है, चलिए आप ध्यान से सुनिए, कॉम्पिटिशन कब होता है, अगर रिसोर्स, सबसे पहली बात, रिसोर्स लिमिटेड हो, खाने पीने की चीज कम है, तभी तो लड़ाई होगा यार। अगर खाने की चीज बहुत ज्यादा है तो काहे का कॉम्पिटिशन। अगर मेडिकल में हर बच्चे को, जो भी एग्जाम 12th का देंगे, सबको डॉक्टर बना दिया जाएगा, तो क्या बच्चा नीट का एग्जाम होगा, फिर कॉम्पिटिशन होगा, क्या तुम बहुत ज्यादा पढ़ाई करोगे, नहीं पढ़ाई करोगे, लेकिन कॉम्पिटिशन है, सीट कम है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, इसलिए तो तुम्हें ज्यादा पढ़ाई करना है, कट ऑफ ज्यादा जाएगा ना, इसलिए तुम ज्यादा पढ़ाई कर रहे हो। तो रिसोर्सेज अगर लिमिटेड है तब होगा कॉम्पिटिशन, और दूसरा ये क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होनी चाहिए, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होनी चाहिए, बोले मतलब यहां पर दोनों थोड़े सिमिलर होने चाहिए, दिखने में सिमिलर होने चाहिए ना, जैसे कि ए और बी सिमिलर है तभी इन दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन होगा। तो दो चीजें, एक तो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच, और रिसोर्सेज अगर लिमिटेड हो तो कॉम्पिटिशन के लिए दो फैक्टर होने चाहिए, ठीक है। लेकिन ये हमेशा ऐसा हो ये जरूरी नहीं, ऐसा कई बार देखा गया है कि अनरिलेटेड स्पीसीज के बीच में भी कॉम्पिटिशन हुआ है, अनरिलेटेड स्पीसीज के बीच में कॉम्पिटिशन हो सकता है, जनरली रिलेटेड स्पीसीज के बीच में होता है, जनरली रिसोर्स लिमिटेड होते हैं, जनरली तभी होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसे ही कंडीशन में हो, अनरिलेटेड स्पीसीज में भी हो सकता है। सर कैसे, आपके एनसीईआरटी ने इसे समझाने के लिए साउथ अमेरिका का एग्जाम्पल लिया, साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका के अंदर में सैलो लेक थे, कम कम पानी के, कम गहरे झील, कम पानी वाले झील थे, पानी कम था, सैलो लेक, ठीक है। अब क्या हुआ यहां पर थे ढेर सारे इस पानी के अंदर में जू प्लैंकटॉन, ये बच्चा जू प्लैंकटॉन रेड कलर के, Z4 जू प्लैंकटॉन, और जू प्लैंकटॉन को खाने के लिए यहां पास थी फिशेस, मछलियां, F4 fish, ठीक है। अब होता गया है कि ये कहानी मैंने कहां का बोला, साउथ अमेरिका, ब्राजील, ये सब आता है ना साउथ अमेरिका। यहां पर होता क्या है कि यहां पर नॉर्थ अमेरिका, यानी कि जो अमेरिका, तुम जिसे यूएसए बोलते हो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जिसे बोलते हो, वहां पर किसी तरह से खाने की कमी हुई, तो वहां के बर्ड्स, फ्लेमिंगोस बर्ड्स,
इस एरिया में आ गए। इस एरिया में कौन आ गए भाई? बर्ड्स। अब बताओ बर्ड्स को भी भूख लगी इसलिए इस एरिया में आ गए और वो भी जूप्लैंकटन को खाने की कोशिश करेंगे, तो मुझे बताइए क्या जूप्लैंकटन का नंबर कम है? हाँ, उसे कौन खाना चाहता है? मछलियां, फिश। और कौन खाना चाहता है? उसका कॉम्पिटिटर कौन आया? बर्ड्स। अब बताओ कॉम्पिटिशन किसके बीच में हो रहा है? फिश और बर्ड्स दोनों अनरिलेटेड है, एक पानी में रहता है और एक बच्चा हवा में रहते हैं। सोचिए दोनों पूरी तरह से अलग तरह के स्पीसीज है लेकिन फिर भी कंपटीशन हो रहा है। तो एनसीईआरटी ने बोला कि साउथ अमेरिका में जो लेक हैं उनके अंदर में हमने कंपटीशन नोटिस किया है, किसको लेकर के? जूप्लैंकटन को खाने के लिए। मछली और बर्ड्स के बीच एक उड़ने वाली चीज, एक पानी में रहने वाली चीज, अलग टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज के बीच में हो रहा है। आगे बात समझ में? चलिए मुझे बताइए ध्यान से। तो सर एक तो समझ में आ गया, देख लीजिए आपके एनसीईआरटी में ये चीज है, अब फटाफट मुझे बताना। आप एनसीईआरटी को देखिए, फॉर इंस्टेंस इन सम शैलो साउथ अमेरिकन लेक्स विजिटिंग फ्लेमिंगोस यानी बर्ड्स एंड रेसिडेंट फिशेस कॉम्पीट फॉर देयर कॉमन फूड द जूप्लैंकटन इन द लेक। सेकेंडली रिसोर्स नॉट बी लिमिटेड फॉर कॉम्पिटिशन। देखिए अब सेकेंड क्या, अनरिलेटेड वाला सभी को समझ में आ गया। अब देखिए अगर रिसोर्स अनलिमिटेड है तब भी कंपटीशन हो सकता है, अगर रिसोर्स अनलिमिटेड है तब भी कंपटीशन हो सकता है। इस कंपटीशन का आपको एनसीईआरटी ने लिखा है इंटरफेरेंस कंपटीशन। आपके एनसीईआरटी ने सिखा है इंटरफेरेंस कंपटीशन। सर ये क्या होता है? ध्यान से सुनना, चीजों को समझना। क्या यहां तक क्लियर है ना? अनरिलेटेड वाला सबको क्लियर है? फटाफट बोलो। Yes, sir. आप ध्यान सुनना, ये एक जंगल है, ये फॉरेस्ट है, और फॉरेस्ट में मान लीजिए बच्चे 10 से 12 डियर के झुंड आराम से बच्चे घूम रहे। ठीक है, फॉरेस्ट है, 10 से 12 डियर है, मस्त घूम रहे झुंड डियर का। और इधर बच्चा वोल्फ है, वोल्फ मतलब भेड़िया, 3-4 भेड़िए के झुंड आ रहे। वोल्फ को लगा भाई आज तो बच्चा पूरा खाने पीने का मस्त इंतजाम हो गया। वोल्फ यानी भेड़िए के झुंड, सामने में कौन है 100 मीटर की दूरी पे कौन है? डियर। तो वोल्फ को लगता है कि आज तो भैया बहुत मस्त खाना मिलने वाला है, क्योंकि डियर कितने हैं? 10 से 12। अरे हमारे लिए तो 2-3 ही एनफ है, अगर हम 4 वोल्फ है, हम 1 डियर 2 डियर को भी पकड़ लेंगे ना, तो हमारे लिए तो भाई सफिशियंट है। यहां देखिए क्या रिसोर्स अनलिमिटेड है? हाँ सर, इनको चाहिए था 2 डियर, मिल कितने रहे? 10 से 12, मजे है। ठीक है, अब ये बच्चा यहां पर अटैक करने की पूरी तैयारी है, क्या झपट्टा मारेंगे, लेकिन अचानक से बच्चा, रिसोर्स अनलिमिटेड है किसके लिए? वोल्फ के लिए। लेकिन अचानक से देखते बच्चे सामने में टाइगर आ गया। टाइगर को पता चला यार मेरे जंगल में राजा तो हम है और मुझे कोई बिना बताए हुए कौन पहुंच गया भाई शिकार करने, तो टाइगर बच्चा पहुंच गया। सोचिए वोल्फ को बच्चा क्या हुआ? वोल्फ को रिसोर्स अनलिमिटेड है लेकिन सामने में कौन आ गया? टाइगर। अब टाइगर के सामने इसे हिम्मत हो ही नहीं रहे कि उस पर अटैक करे, टाइगर के सामने इसका हिम्मत ही नहीं को अटैक कर सके। अब टाइगर को भी लग रहा है चलो यार मेरे लिए भी रिसोर्स अनलिमिटेड है, मैं खाता हूं, मेरे सामने दूसरी की क्या औकात है खाने की, मैं अटैक करूंगा खाऊंगा। तो टाइगर, एक टाइगर मान लो बच्चा, एक टाइगर एक डियर खाता, तो क्या टाइगर के लिए रिसोर्स अनलिमिटेड है? हाँ, लेकिन टाइगर को भी कहीं ना कहीं ये डर लग रहा है कि मैं गया और पूरा भेड़िया का झुंड एक बार आ गया, अकेले तो इनकी औकात नहीं है लेकिन पूरा झुंड मेरे पर अटैक कर दिया तो मुझे भी भाई डर है। तो टाइगर को भी डर लग रहा है कि भेड़िया मेरे ऊपर भी अटैक कर सकता है, तो क्या दोनों को डर लग रही? दोनों को डर लग रहा है, ना टाइगर अटैक कर रहा है ना वोल्फ अटैक कर रहे हैं, और डियर बच्चा आराम से बाहर निकल गए। देखा, डियर बच्चा निकल गए। तो एनसीईआरटी ने क्या लिखा कि कंपटीशन में रिसोर्स यहां क्या थे? अनलिमिटेड, लेकिन यहां पर प्रेजेंस ऑफ ए इरिटेटिंग, एक डिफरेंट डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म आके पटक गया, बैठा हुआ है, जिसके चलते हमारी हिम्मत नहीं हो रही है कि हम अटैक कर सके। तो रिसोर्स अनलिमिटेड है फिर भी एक दूसरे स्पीसीज के चलते ना हम उस पर अटैक नहीं, हमारे लिए रिसोर्स अब अनअवेलेबल हो गया,
जैसे मैं बताऊं, ये डियर है, मान लीजिए ये डियर, और ये बच्चा मस्त प्लांट खाने वाली, प्लांट ग्रास खाने वाली, रिसोर्स अनलिमिटेड है, रिसोर्स कैसे अनलिमिटेड, डियर खाने वाली है, रिसोर्स की कमी नहीं बच्चा, पूरा रिसोर्स है। लेकिन जैसे ही डियर बच्चा यहां पहुंचती है, जैसे खाना स्टार्ट करती है, टाइगर बच्चा दूर 200 मीटर दूर, टाइगर ने चिहाड़ मारा, भयंकर आवाज किया, हाँ पूरा जंगल थर्रा गया, डियर बच्चा डर से भाग जाएगी। डियर जबकि बहुत दूर है, फिर भी उसे लगेगा कि भाई टाइगर अटैक वटैक ना कर दे, तो रिसोर्स तो अनलिमिटेड थे, लेकिन प्रेजेंस ऑफ एक दूसरे स्पीसीज के प्रेजेंस के चलते मेरा क्या होगा, फूड तो बेचारे कम हो गए ना। इसी कॉम्पिटिशन को आपके एनसीईआरटी ने कहा इंटरफेरेंस कॉम्पिटिशन, इंटरफेरेंस कॉम्पिटिशन। तो हम एनसीईआरटी से पढ़ते हैं इस चीज को, देखिए आपके एनसीईआरटी ने इंटरफेरेंस कॉम्पिटिशन बहुत अच्छे से समझाया है, देखो। हाँ तो यहां पर देखिए ध्यान से, मैं सेकेंड बता रहा हूं, सेकेंडली रिसोर्सेज नॉट नीड नॉट बी लिमिटिंग फॉर कॉम्पिटिशन टू अकर। जरूरी नहीं है कि रिसोर्स लिमिटिंग हो तभी कॉम्पिटिशन होगा, ऐसा भी हो सकता है कि अनलिमिटेड रिसोर्स तभी कॉम्पिटिशन लग रहा है, जैसे वोल्फ और टाइगर में लग गया था, ठीक है। कैसे सर? तो एनसीईआरटी में लिखा है द फीडिंग इफिशियंसी ऑफ वन स्पीसीज, यानी वोल्फ भेड़िया, द फीडिंग इफिशियंसी ऑफ वन स्पीसीज माइट बी रिड्यूस ड्यू टू इंटरफेयरिंग एंड इनहिबिटरी प्रेजेंस ऑफ द अदर स्पीसीज। टाइगर आने के चलते वोल्फ की फीडिंग इफिशियंसी क्या हो गई, घट गई, तो ये भी तो एक तरह का कॉम्पिटिशन हो गया, जिससे कि खाना तो खूब अवेलेबल है लेकिन सामने वाले के चलते मैं खा नहीं पा रहा हूं, तो एक तरह से इस कॉम्पिटिशन को एनसीईआरटी ने क्या कहा, इंटरफेरेंस कॉम्पिटिशन। क्या लिखा, इवन रिसोर्सेस एबंडेंट, रिसोर्स बहुत ज्यादा है, डियर खूब सारे थे, दोनों मिल बांट के खाते, दोनों खा लेते, लेकिन डर से कोई अटैक नहीं कर रहा है। चलिए भाई अब बताओ, देयरफॉर कॉम्पिटिशन इज बेस्ट डिफाइंड एज ए प्रोसेस इन विच फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज। समझा रहा हूं, बड़ा एनसीईआरटी का मजेदार लाइन, मुझे बताना ध्यान से। देखिए अब बताओ बच्चा, ये है तुम्हारा साउथ अमेरिका के सैलो लेक, ठीक है। यहां कौन है सर? यहां है जूप्लैंकटन, ये है जूप्लैंकटन सर, जेड 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 जूप्लैंकटन। और यहां कौन खाने वाली है? फिश, फिश खाने वाली है, फिश बेटा मजे से खा रही है, फिश मजे से खा रही है, फिश बेटा मजे से खा रही है, अभी कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, फिश मजे से खा रही है, ठीक है, मजे से खाना मिल रहा है। अब मुझे बताना, यहां पास आ गए, यहां पास आ गया कौन? फ्लेमिंगोस बर्ड। अब मुझे बताओ ध्यान से, इस बर्ड के आने के चलते, इस बर्ड के आने से फिश का फीडिंग एफिशिएंसी घटा या बढ़ा, सोच के बताना। बर्ड्स आने के चलते फिश का फीडिंग एफिशिएंसी घटेगा या बढ़ेगा? क्योंकि बर्ड्स आएगा तो कंपटीशन होगा, खाने का बंटवारा होगा, और खाने का अगर बंटवारा होगा तो अब फिश को यानी मछलियों को खाना तो कम मिलेगा ना, तो फीडिंग की एफिशिएंसी घट गई। अगर फीडिंग अब खाना कम खाएंगे तो रिप्रोडक्शन भी तो कम करेंगे, तो इसी को एनसीईआरटी ने कहा कि उनका आर यानी फिटनेस, अब बर्थ रेट माइनस डेथ रेट कुछ ऐसा पढ़ते हो ना, यानी रिप्रोडक्शन, सिंपल बोले तो बच्चा रिप्रोडक्शन, उनका रिप्रोडक्शन का रेट क्या होगा, घट जाएगा। इसलिए कहता है, मान लो बच्चा यहां बर्ड्स नहीं है, अभी मान लो बर्ड्स नहीं है, तो फिश को खाना ज्यादा मिलेगा, ज्यादा मिलेंगे तो रिप्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, तो यहाँ का आर का वैल्यू क्या होगा, मान लो बच्चा ज्यादा होंगे। लेकिन जैसे ही बर्ड्स आया, एक स्पीसीज आए, तो कॉम्पिटिशन हो गया, कॉम्पिटिशन हुआ तो फूड की कमी हो गई, फूड की कमी हो गई तो क्या होगा बोलो, फूड की कमी हो जाएगी तो इनका फिटनेस घटेगा, फीडिंग एफिशिएंसी घटेंगे, रिप्रोडक्शन का रेट घटेगा। तो कॉम्पिटिशन समझाने का सबसे अच्छा तरीका समझ में आया? देखिए देखिए अब एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, समझना ध्यान से, देखो कितना अच्छा सा वर्ड एनसीईआरटी ने यूज किया। देखो एनसीईआरटी ने लिखा है देयरफॉर कॉम्पिटिशन इज बेस्ट डिफाइंड, सबसे अच्छा तरीका डिफाइन करने का बता दें, एज ए प्रोसेस इन विच फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज, फिटनेस मतलब रिप्रोडक्शन, नंबर अमाउंट मेजर इन टर्म ऑफ आर यानी इंट्रिंसिक रेट मतलब उनका रिप्रोडक्शन, इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीसीज। मछली फिश का रिप्रोडक्शन का इफिशियंसी ज्यादा था क्योंकि खाना ज्यादा थे, जैसे ही उसका कॉम्पिटिटर आया तो उसकी फीडिंग एफिशिएंसी घटी, आर का वैल्यू घटी, सिग्निफिकेंटली लोअर इन प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीसीज
इट इज रिलेटिवली इजी टू डेमोंस्ट्रेट इन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट. क्या ये लाइन समझ में आ गई सभी को कि कॉम्पिटिशन सबसे बेस्ट ढंग से कब समझाते हैं? मैं खाना खा रहा हूं, मेरे लिए खाना अवेलेबल है, लेकिन कोई दूसरा स्पीसीज आएगा मेरे खाने को खाने की कोशिश करेगा तो मेरी फीडिंग एफिशिएंसी, मेरा खाना घटा. मैं खाना कम खाऊंगा तो मुझे खाना कम मिलेगा तो रिप्रोडक्शन भी कम होगा, तो मेरी फिटनेस उस एरिया में क्या हो जाएगी, घट जाएगी. तो कॉम्पिटिशन कहने का मतलब है एक स्पीसीज के आने से दूसरे स्पीसीज का फीडिंग एफिशिएंसी घटा, रिप्रोडक्शन का रेट घटा, फिटनेस का रेट घट गया. ये है डेफिनेशन ऑफ कॉम्पिटिशन. चलो यहां तक सभी को समझ में आ गया, फटाफट बोलो आगे चलेंगे. यहां तक क्लियर है? यस सर. चलो अब देखिए, अब मैं आपको बड़ा मजेदार एक कहानी सुना रहा हूं, कहानी को मजे से लेना, टॉपिक कंप्लीट होगा. चलिए, ये साइंटिस्ट का नाम था गॉस. गॉस साहब ने लैब में एक्सपेरिमेंट किया, लैब में बच्चे एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है, एल्गी वेल्गी पे एक्सपेरिमेंट किया था, एल्गी पे एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है. उन्होंने स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट ध्यान से सुनना. उन्होंने स्टेटमेंट में पहला रूल बोला, अगर रिसोर्स लिमिटेड हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर रिसोर्स क्या हो बच्चा, लिमिटेड, अगर खाने की कमी लिमिटेड है, ठीक है. सेकेंड, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, अगर दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है, रिलेटेड स्पीसीज है, ठीक है, दोनों के दोनों, ध्यान सुनना, रिसोर्स यानी खाना या स्पेस कम है, दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है, कांट सर्वाइव, कांट सर्वाइव, वो सर्वाइव कर ही नहीं सकते, सर कांट सर्वाइव फॉर लॉन्गर पीरियड, ज्यादा दिनों के लिए सर्वाइव नहीं कर सकते. बोले सर मतलब लॉन्गर पीरियड तक सर्वाइव नहीं करेंगे मतलब क्या होगा? उन्होंने बोला इनके अंदर में जो सुपीरियर स्पीसीज है, यानी बड़ा वाला मजबूत वाला, इनमें जो मजबूत वाला है, सुपीरियर जो स्पीसीज है, सुपीरियर जो स्पीसीज है वो इनफीरियर को, इनफीरियर को या तो अपने एरिया से, अपने एरिया से भगा देगा, या तो अपने एरिया से, उस एरिया से भागने पे मजबूर कर देगा, या भाग नहीं पाया तो बच्चा मरने पे मजबूर कर देगा. यानी मेरा एरिया है, खाना कम है, हम दोनों कंपटीशन करेंगे और कंपटीशन में मैं मजबूत हूं तो तुझे ऑप्शन दूंगा. ऑप्शन नंबर वन, यहां से एग्जिट हो जाइए, एग्जिट हो जाइए, यहां से छोड़ करके आप चले जाइए भाई. ऑप्शन वन, या तो आप डेड हो जाओ, आप या तो उस एरिया से डेड हो जाओगे, मर जाओगे. ये किसका मानना था बच्चा? गॉस का. ध्यान सुनना, कहानी समझ में आई? फिर से बोल रहा हूं, उन्होंने क्या बोला, अगर रिसोर्स लिमिटेड हो, अगर अनलिमिटेड है तो टेंशन नहीं है, फिर लड़ाई किस बात की, मिल बांट के खाते हैं. लेकिन रिसोर्स लिमिटेड है और क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है, वो लॉन्ग टाइम तक काफी दिनों तक सर्वाइव नहीं कर सकते एक साथ, लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करें तो होगा क्या, जो सुपीरियर वाला है इनफीरियर को दो चांस देगा, या तो अपने एरिया से बोलेगा यहां से भाग जाओ, या तो बेटा मर जाओ. ये किसने बोला? गॉस ने. तो गॉस के इस प्रिंसिपल को नाम दिया गया बच्चा गॉसेस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. एक्सक्लूजन मतलब एक्सक्लूड कर देना, हटा देना, इसलिए बहुत फेमस साइंटिस्ट हो गए गॉसेस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के नाम से. ठीक है, आगे ही बोलो, स्टेटमेंट सबको क्लियर है? अब मैं इनको प्रूफ कर रहा हूं. तो सर इन्होंने प्रूफ किया था ना सर लैब में. बेटा लैब के एक्सपेरिमेंट को इकोलॉजी में जीरो मिलता है, 0/10. इकोलॉजी में लैब के एक्सपेरिमेंट को नहीं माना जाता, आपको फील्ड में स्टडी करना पड़ेगा तब हम आपके रूल को मानेंगे. और इन्होंने कहा किया था लैब में, लैब का रूल को तो माना ही नहीं जाएगा. लेकिन बाय चांस उसी टाइम एक साइंटिस्ट, उन्होंने फील्ड स्टडी किया और उन्होंने बोला कि गॉस 100% करेक्ट है, गॉस का रूल 100% करेक्ट है. बोला कैसे, समझा रहा हूं, ध्यान सुनना. उन्होंने बोला एक आइलैंड लिया बच्चा, गैलापागोस आइलैंड. क्या आपने नाम सुना है? बोलो फटाफट, क्या आपने ये आइलैंड का नाम सुना है, गैलापागोस आइलैंड? बोले हाँ सर, जहां डार्विन ने अपना 14 फिंचेस, यानी सर जो डार्विन का एक्सपेरिमेंट वाला, वही वाला है. हाँ वही है, ये गैलापागोस आइलैंड. ये आइलैंड चारों तरफ पानी से घिरा है, चारों तरफ पानी है, पानी के बीचों बीच में ये आइलैंड था. ध्यान से सुनिएगा,
इस आइलैंड पे बच्चा टॉर्टोइज रहते थे, कछुए। एनसीआरटी ने इसका नाम दिया बच्चा एबिंगडन टॉर्टोइज। क्या नाम दिया बोलो? एबिंगडन टॉर्टोइज। ये टॉर्टोइज है, ये टॉर्टोइज है, एबिंगडन टॉर्टोइज। लेकिन ये टॉर्टोइज बच्चा हर्बीवोर्स थे, घास खाते थे, वहां के ग्रास खाते थे, कहां के? उस आइलैंड के। और ये बच्चा अडेप्टेड थे टेरेस्ट्रियल कंडीशन के लिए, यानी ये पानी में नहीं रह सकते, याद रखना, ये बच्चा पानी में नहीं रह सकते, ये अडेप्टेड कहां है? टेरेस्ट्रियल, यानी लैंड पे, जमीन पे रहने के लिए अडेप्टेड, ठीक है। अब क्या हुआ, गैलापागोस आइलैंड पे वहां के ट्राइबल्स ने, यानी कि नेटिव लोगों ने, अपने इनकम बढ़ाने के लिए वहां पर बच्चा गोट यानी बकरी पालना स्टार्ट किया। तो उन्होंने बच्चा क्या इंट्रोड्यूस किया? जी, जी फॉर गोट, जी फॉर गोट, ठीक है, बकरी। अब बताइए, खाना ग्रास है, लिमिटेड है, और खाने वाले दो लोग हैं, एक है बच्चा गोट यानी बकरी, एक है बच्चा एबिंगडन टॉर्टोइज। अब मुझे बताइए, अगर रिसोर्स अनलिमिटेड है, दो स्पीसीज कैन नॉट सर्वाइव फॉर द लॉन्गर पीरियड, यानी गोट और टॉर्टोइज में लगेगा कॉम्पिटिशन। अब मुझे बताओ, इसमें मजबूत कौन है, तेज कौन दौड़ सकता है, ज्यादा घास कौन खा सकता है, फास्ट रनर कौन है? सर, गोट, बकरी। बकरी ज्यादा घास खाएगी, टॉर्टोइज को खाना मिलेगा नहीं, तो सुपीरियर स्पीसीज गोट इंफीरियर यानी टॉर्टोइज को क्या कर देगा? ऑप्शन, या तो बेटा यहां से भाग जाओ, या तो यहां तुम्हें मरना पड़ेगा। लेकिन टॉर्टोइज कहां जाते? चारों तरफ पानी था, पानी में तो रह नहीं सकते थे, तो चारों तरफ है पानी, पानी में तो अडेप्टेड नहीं है, तो धीरे धीरे सारे के टॉर्टोइज बच्चा मरने लगे। और एक टाइम आया, एनसीईआरटी में लिखा विद इन अ डिकेड, हाँ विद इन अ डिकेड बच्चा, एक डिकेड के अंदर में क्या हो गए, 10 सालों के अंदर में सारे के सारे टॉर्टोइज बच्चा विलुप्त हो गए, खत्म हो गए, मर गए। तो गॉसेस प्रूफ हो गया बच्चा, गॉसेस का प्रिंसिपल प्रूफ हो गया। क्या बोला था, अगर देख ले कहानी फिर से सुन लो, गैलापागोस आइलैंड, वहां रहता कौन था? टॉर्टोइज। खाता क्या था? ग्रास, हर्बीवोर्स था, स्लो रनर था, तेजी से नहीं दौड़ सकता। हमने क्या डाला? गोट यानी बकरी, बकरी को भी जिंदा रहने के लिए चाहिए घास, तो दोनों में हुआ कॉम्पिटिशन, लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकते, गॉसेस मानते थे। दोनों में कॉम्पिटिशन लगा, जो मजबूत है गोट, उसने इंफीरियर को ऑप्शन दिया, या तो यहां से भाग जाओ या तो मर जाओ। भाग सकते नहीं थे, तो विद इन अ डिकेड सारे के सारे टॉर्टोइज बच्चा खत्म हो गए उस एरिया में। आप एनसीईआरटी में देखिए ये वर्ड लिखा है, देखिए तो कितना अच्छा सा एनसीईआरटी का एक वर्ड है। एनसीईआरटी ने क्या लिखा है देखिए, पढ़ो, गॉसेस एंड अदर एक्सपेरिमेंटल इकोलॉजिस्ट, जो इकोलॉजिस्ट है उन्होंने बताया, व्हेन रिसोर्स आर लिमिटेड, रिसोर्स लिमिटेड है, एंड कॉम्पिटेटिवली सुपीरियर स्पीसीज, मजबूत वाला, विल इवेंचुअली इलिमिनेट, वो इलिमिनेट कर देगा अदर स्पीसीज को, बट इविडेंस फॉर सच कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन अकरिंग इन नेचर नॉट ऑलवेज कंक्लूसिव। ये हमें नेचर में नहीं मिल रहे बच्चे, हमें नेचर, ये तो लैब में हमें मिल रहा है, हमें नेचर में दिख ही नहीं रहती ये रूल। लेकिन देखिए, स्ट्रॉन्ग एंड पर्सुएसिव सबस्टांसेस एविडेंस डज एग्जिस्ट हाउएवर इन सम केसेस, तो हमें कुछ केसेस में ऐसा दिखा, ठीक है, द एबिंगडन टॉर्टोइज, याद करो, इन गैलापागोस आइलैंड बिकम एक्सटिंक्ट विद इन अ डिकेड, 10 सालों में, आफ्टर गोट वेयर इंट्रोड्यूस, जब गोट को इंट्रोड्यूस किया गया तो यह ऐसा देखा गया ऑन द आइलैंड, अपेरेंटली ड्यू टू द ग्रेटर ब्राउजिंग एफिशिएंसी, खाने का रेट ज्यादा था गोट का। अनदर एविडेंस, अब दूसरा एविडेंस पढ़ लेते हैं। क्या यहां तक क्लियर है? फटाफट बोलो, फटाफट बोलो। चलिए तो आगे चले हम लोग। सर एक बार सेसाइल का मीनिंग बता दीजिए। सेसाइल मतलब जो नहीं चलता है, नॉन मोटाइल। ओके सर, सेसाइल का मतलब नॉन मोटाइल। चलिए अब ध्यान से सुनो, हम फिर से गॉसेस को प्रूव करने वाले हैं। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कोनेल्स, कोनेल्स एक्सपेरिमेंट, वो गॉस के बहुत बड़े सपोर्टर थे, वो चाहते थे कि गॉस को हम प्रूव करें, लेकिन लैब में नहीं, फील्ड में। कैसे? तो इसके लिए वो स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड, और स्कॉटलैंड में बच्चा समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे जो माउंटेन वाले रीजन थे, पहाड़ वाले रीजन थे, वहां पर एक्सपेरिमेंट किया, इंटरटाइडल जोन, ठीक है। तो वहां पर जो पत्थर वाले, स्टोन वाले रीजन थे, मान लीजिए ये बच्चे स्टोन वाले पथरीली जगह थे, तो यहां पर उनने के पास थे दो तरह के बारनेकल्स, जो अभी पढ़ाया था, सिसाइल वाले, चल नहीं सकते, नॉन मोटाइल वाले बारनेकल्स, दो तरह के बारनेकल्स उन्हें दिखे।
एक बार निकल बच्चा साइज में बड़ा था, मजबूत था, इन्होंने कहा इसका नाम है बच्चा बैलेनस, बिफोर बैलेनस, बिफोर बैलेनस, बिफोर बैलेनस, ये बच्चा बैलेनस है, याद रखना बिफोर बड़ा, बिफोर बैलेनस, ये क्या है सुपीरियर है। और सी फोर है कैथामेलस, कैथामेलस कैसा है बच्चा इंफीरियर है, कैथामेलस क्या है इंफीरियर, ध्यान सुनिए, अगर रिसोर्स लिमिटेड है, खाना कम अमाउंट में, दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कांट सर्वाइव फॉर लॉन्गर पीरियड, क्या होगा, तो यहां पर जो बैलेनस है वो बोलेगा कैथामेलस को कि भाई साहब रिसोर्स लिमिटेड है, हम आपसे कॉम्पीट करेंगे, हम सुपीरियर है, तो या आप तो यहां से भाग जाइए या तो आप क्या करो भाई, या तो मर जाइए। तो कैथामेलस यहां से बेचारा क्या करेगा, वो तो रह नहीं सकता था, तो कैथामेलस धीरे धीरे इस एरिया को छोड़ दिया और सारे कैथामेलस बच्चा दूसरे एरिया में शिफ्ट हो गए, यानी एक तरफ जिधर खाना अवेलेबल था उधर बैलेनस है और कैथामेलस बच्चा बैक साइड में पीछे के साइड में रहने लगा। तो कैथामेलस इधर सर्वाइव कर रहा है, बैलेनस उधर सर्वाइव कर रहा है, आगे बात समझ में क्लियर हो गया गॉसेस का। देखिए कैथामेलस को हटा दिया, अब ध्यान सुनना, मान लो बच्चा, मान लीजिए अगर मैं इस एरिया से एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाता हूं, मान लो इधर बैलेनस रहते थे, इधर कौन रहते थे, बी फॉर बैलेनस, 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 ठीक है, कैथामेलस को बोले नहीं नहीं आप मेरे एरिया से जाइए, हम आपको अपने एरिया में ही रहने देंगे क्योंकि आप इंफीरियर हो, चलिए कैथामेलस इस साइड में, दे रिस्ट्रिक्ट देयर ओन एरिया, अपने एरिया से उन्होंने हटा दिया, दूसरे एरिया में रिस्ट्रिक्ट कर दिया। मान लो बच्चा कि अगर यहां से मैं बैलेनस को हटा दूं, सोचिए अगर मान लो मैं यहां से सारे बैलेनस को हटा दूं, एक्सपेरिमेंटली सारे बैलेनस को हटा दे, तो धीरे धीरे क्या कैथामेलस इस एरिया में आ जाएंगे, क्या कैथामेलस का नंबर इस एरिया में बढ़ेगा, हाँ क्यों बढ़ा, क्योंकि हमने सुपीरियर वाले को हटाया तो इन्फीरियर का उस एरिया में नंबर तो बढ़ गया ना, इसी को एनसीईआरटी ने कहा एक वर्ड कॉम्पिटिशन रिलीज, आपके एनसीईआरटी ने इसी को कहा कॉम्पिटिशन रिलीज, यानी कि कॉम्पिटिटर में, कॉम्पिटिशन में अगर सुपीरियर को हटा दोगे तो इन्फीरियर का नंबर बढ़ जाएगा। सोचिए वहां टॉर्टोइस और गोट्स थे, गोट्स को अगर हटा लेते तो जाहिर सी बात है कॉम्पिटिशन कम हो जाता, तो क्या होते इन्फीरियर का नंबर, टॉर्टोइस का नंबर बढ़ जाते। ऐसे समझिए, मान लो कि संडे को टेस्ट है वंती और उसमें बच्चा टेस्ट का टॉपर है, ए फर्स्ट रैंक आता है, बी सेकंड रैंक, सी थर्ड रैंक, डी फोर्थ, ई, ये पांच टॉपर है, ठीक है, टोटल 30 बच्चे एग्जाम देंगे। मैंने बोला कि इस बार टेस्ट में ए एग्जाम नहीं देगा, बी नहीं देंगे, सी नहीं देगा, डी नहीं देंगे, ई नहीं देंगे, तो जाहिर सी बात है बच्चा जो कम एवरेज मार्क्स वाले बच्चे हैं उनका नंबर नहीं बढ़ जाएगा, उनका नंबर नहीं बढ़ जाएगा, क्यों बढ़ गए, जो सुपीरियर है उनको मैंने हटा दिया तो इंफीरियर का रैंक तो अच्छा हो गया ना, नंबर कम आएंगे फिर बच्चा रैंक तो अच्छा हो गया, तो इसी को हम लोग कहते हैं कॉम्पिटिशन रिलीज। मान लो नीट के एग्जाम में सारे टॉप रैंकर को मैं हटा दू तो जाहिर सी बात है तुम्हारा रैंक तो अच्छा हो जाएगा, तो इसी को हमने एनसीईआरटी ने कहा है कॉम्पिटिशन रिलीज। देख लीजिए यहाँ पे एनसीईआरटी में एक गिवन है, सभी लिमिटेड रिसोर्स के लिए अनलिमिटेड, नहीं सब जगह लिमिटेड रिसोर्स, मैंने तो एक्सपेरिमेंट करके देखा, देखिए मैं बता रहा हूँ पहले एनसीईआरटी पढ़ती है, देखो ठीक है, अब एनसीईआरटी ने क्या वर्ड यूज किया है ध्यान से सुनना, अनदर इविडेंस फॉर अकरेंस ऑफ कॉम्पिटिशन इन नेचर कम फ्रॉम व्हाट इज कॉल्ड कॉम्पिटिशन रिलीज। हम कॉम्पिटिशन रिलीज को समझते हैं, ए स्पीसीज व्हिच डिस्ट्रीब्यूशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू ए स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया, एक स्पीसीज है जिसको जैसे कैथामेलस, वो बच्चा कम एक नैरो रिस्ट्रिक्टेड जोन में ही ग्रो कर रहा है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटेटिवली सुपीरियर स्पीसीज यानी बैलेनस इज फॉन्ड टू एक्सपैंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन रेंज, हाँ क्योंकि बैलेनस के चलते इसका ग्रोथ रुक गया है, अगर क्या होगा इज फॉन्ड टू एक्सपैंड, इसका एक्सपेंशन हो जाएगा, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन रेंज, रेंज बढ़ जाएगी ड्रामेटिकली व्हेन द कॉम्पिटिटिंग स्पीसीज इज एक्सपेरिमेंटली रिमूव, अगर एक्सपेरिमेंटली आपने हटा दिया तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बोलो, बैलेनस का कैथामेलस का एक्सपेंशन एरिया बढ़ जाएंगे। तो कॉनल्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया, ध्यान सुनिए, कॉनल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट, फील्ड में एक्सपेरिमेंट क्या कहा, स्कॉटलैंड शोड दैट ऑन द रॉकी सी कोस्ट, जो स्कॉटलैंड के पथरीले जगह थे समुद्र के किनारे,
ठीक है, द लार्जर एंड कॉम्पिटेटिवली सुपीरियर बार्निकल्स, बार्निकल्स बोला था ना, कौन सा है भाई, बैलेनस, बी फोर बड़ा, डोमिनेट्स इन द इंटरटाइडल एरिया। इंटरटाइडल क्या होता है सर, जब पानी का तेज बहाव आता है, कम बहाव आया लो टाइड, ज्यादा तेज बहाव आया हाई टाइड, तो लो टाइड हाई टाइड इनके बीच में इंटरटाइड, पानी का बहाव कम आ रहा है लो टाइड, ज्यादा टाइड बने हाई टाइड, इन दोनों के बीच में क्या कहा, इंटरटाइडल जोन, ठीक है वही ये रहते हैं। एंड एक्सक्लूड द स्मॉलर बार्निकल्स, उन्होंने इस एरिया से बार्निकल्स को, कैथामेलस को भगा दिया, फ्रॉम दैट जोन, उस जोन से भगा दिया। इन जनरल हर्बीवोर्स प्लांट अपीयर टू मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय कंपटीशन दैन कार्निवोर्स। मतलब इसका मतलब क्या है सर, अब समझिए एनसीईआरटी का ये वर्ड को समझाता हूं, दो मिनट लगेंगे लेकिन टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, बस दो से पांच मिनट। एनसीईआरटी ने कहा है बच्चा, मान लो प्लांट, ये एक जंगल है, सबसे ज्यादा प्लांट, प्लांट को खाने वाले हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स को खाने वाले प्राइमरी कार्निवोर्स, और प्राइमरी कार्निवोर्स को टाइगर खाएगा, यानी टॉप कार्निवोर्स, यही होता है ना, फूड चेन याद है, ये ग्रास है, प्लांट है, उसको खाने वाला हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स को खाने वाला प्राइमरी कार्निवोर्स, उसको खाने वाला टॉप कार्निवोर्स, टाइगर लायन। इनमें बताओ सबसे ज्यादा नंबर किसके होंगे सर, प्लांट के, हर्बीवोर्स आ प्रोड्यूसर, यानी प्लांट, प्लांट क्या है, खाना बना रहा है, प्रोड्यूसर, तो जाहिर सी बात सबसे ज्यादा नंबर किसका है, प्लांट का, मान लो 1000 है, 1000 है, हर्बीवोर्स मान लो इसका नंबर 100 है, प्राइमरी कार्निवोर्स मान लो इसका बच्चा 20 है, टॉप कार्निवोर्स मान लो बच्चा 2 है, एक एक फॉरेस्ट में दो तीन टाइगर से ज्यादा क्या होगा, ठीक है, लेकिन प्लांट तो बहुत सारे होते हैं, तो यहां बताओ यहां पर सबसे ज्यादा नंबर किसका है, प्रोड्यूसर, हाँ यानी प्लांट का, तो बताओ 100-1000 तरह के स्पीसीज है, तो सबसे ज्यादा वाटर के लिए, मिनरल्स के लिए, न्यूट्रिएंट के लिए कॉम्पिटिशन सबसे ज्यादा कहां होगा, बताओ, जहां सबसे ज्यादा नंबर तो वहां पास रिसोर्सेस लिमिटेड, तो सबसे ज्यादा एडवर्स कंपटीशन, सबसे ज्यादा कंपटीशन, हार्ड कंपटीशन प्रोड्यूसर लेवल पे होंगे। अब देखिए हर्बीवोर्स और प्राइमरी कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स का नंबर 100 है, फूड लिमिटेड है, 100 तरह के हर्बीवोर्स है, तो खाने के लिए लड़ाई ज्यादा, प्राइमरी कार्निवोर्स का नंबर तो 20 है, नंबर कम है, तो इनमें कॉम्पिटिशन कम होंगे, टॉप कार्निवोर्स का तो नंबर काफी कम है, तो कंपटीशन सबसे कम होगा, तो एनसीईआरटी ने यही लिखा है, जहां नंबर ज्यादा तो कंपटीशन ज्यादा, तो सबसे सीवियरली अफेक्टेड, सबसे ज्यादा अफेक्टेड कौन होगा, प्रोड्यूसर। क्या ये एनसीईआरटी का वर्ड समझ में आया, देख लीजिए एनसीईआरटी ने क्या लिखा, इन जनरल हर्बीवोर्स एंड प्लांट अपियर टू मोर एडवर्सली अफेक्टेड, सबसे ज्यादा अफेक्टेड कौन होंगे, हर्बीवोर्स, बाई कॉम्पिटिशन देन कार्निवोर, कार्निवोर्स के कंपेरिजन में सबसे ज्यादा इफेक्टेड कॉम्पिटिशन का है हर्बीवोर्स एंड कहां, प्रोड्यूसर यानी प्लांट में। बोलो किसे किसे याद, क्लियर हो गया, फटाफट बताओ, बोलो, यस सर, क्योंकि दो मिनट में अब खत्म करने वाले हैं, दो मिनट लगेगा, टॉपिक आ जाएगा ना, कॉम्पिटिशन आज कर लेते, अगले क्लास में आगे करेंगे। देखो गॉसेस क्या बोलते थे फिर से बताओ, गॉस ने बोला अगर रिसोर्स लिमिटेड है, दो क्लोजली रिलेटेड है, लॉन्ग टाइम तक साथ में नहीं रह सकते, कंपटीशन होगा, सुपीरियर वाला इंफीरियर को भगा देगा, लेकिन ये होता है, मैं मना नहीं करता, ये होता है नेचर में, मैं मना नहीं करता, लेकिन एक साइंटिस्ट थे मैक आर्थर साहब, उन्होंने अपना फील्ड एक्सपेरिमेंट किया, आर्थर, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में बताए कि ऐसा हर जगह वैलिड नहीं, कई जगह ऐसा है कि रिसोर्स लिमिटेड है, रिसोर्स लिमिटेड है, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है, कंपटीशन नहीं करेंगे, और साथ में कंपटीशन अवॉइड करके वो साथ में रहना सीख चुके हैं, को एग्जिस्ट करते हैं, साथ में रहते हैं, तो लोगों ने बोला कहां देखा, तो बोला मैंने एक प्लांट पे रिसर्च किया है, ये देखिए प्लांट है, इस प्लांट पे मैंने रिसर्च किया, और इस प्लांट पे एट ए टाइम रिसोर्स कम है, एक ही प्लांट है, इस प्लांट के ऊपर में 5 तरह के स्पीसीज बढ़ के रहते हैं, जिसे हमने कहा वार्बलर, एनसीईआरटी ने क्या नाम दिया उस स्पीसीज को, वार्बलर स्पीसीज, तो 5 वार्बलर बर्ड्स के स्पीसीज हैं, बोले ठीक, और ये 5ों एक साथ रहते हैं और कोई कंपटीशन नहीं करते, साथ में रहते हैं, सर कैसे, रिसोर्स तो लिमिटेड है ना, इन्होंने दो काम किया,
पहला इन्होंने रिसोर्स पार्टिशनिंग कर ली, बोले मतलब रिसोर्स का बंटवारा कर लिया। मान लो कि यहाँ पर B1 स्पीसीज है, B2 है, B3 है, B4 बर्ड्स है, B5। रिसोर्स पार्टिशनिंग कहने का मतलब हम कंपटीशन करेंगे तो सबको मर जाएंगे, कंपटीशन में सब मर जाएंगे, सरवाइव नहीं कर सकते, तो क्यों ना हम रिसोर्स बांट लें। बोले मतलब यानी कि तुम लीफ खाना, तुम सीड खाना, तुम फ्रूट खाना, तुम बच्चे छिलके खा के जिंदा रह लेना, तुम इंसेक्ट्स खा लेना, तुम प्लांट के टहनी खा लेना भाई, ब्रांचेस खा लेना, अगर रिसोर्स कम है तो हम उसका पार्टीशन तो कर सकते हैं। दूसरा, हम अलग अलग एरिया में रहेंगे, तुम नीचे रहना, तुम ऊपर रहना, हम ऊपर रहेंगे। और फॉरेजिंग पैटर्न, तुम रात में जाना प्लांट पे, मैं दोपहर में जाऊंगा, मैं शाम में जाऊंगा, मैं अर्ली मॉर्निंग में जाऊंगा, यानी कि रिसोर्स कम है, कम है तो हम क्या करें, रिसोर्स का पार्टीशन कर ले, खाने का बंटवारा कर ले, या हम खाने का चुनने का टाइम यानी फॉरेजिंग पैटर्न, उनको चुनने का पैटर्न चेंज कर ले। कई जगह पे ऐसा होता है रिसोर्स पार्टीशन हो गया, कहीं पे चुनने का टाइमिंग अलग अलग कर लिया, तो हम लोग साथ में एक साथ को एग्जिस्ट कर सकते हैं, ये मानना था मैक आर्थर साहब का। ये देखिए, और ये एनसीईआरटी का ये पार्ट कंप्लीट हो गया। देखिए ध्यान से सुनना, अब पढ़ रहा हूं एनसीईआरटी का पार्ट। गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, स्टेट दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कॉम्पिटिंग फॉर सेम रिसोर्सेज कैन नॉट कोएग्जिस्ट इनडेफिनेटली, साथ साथ लॉन्ग टाइम तक नहीं रह सकते, एंड कॉम्पिटेटिवली इंफीरियर वन विल बी एलिमिनेट, वो भगा ही देगा आज ना कल, या तो मार देगा। This may be true if resources are limiting. ये कब valid है? जब resource limiting है. But not otherwise. अगर resource unlimited है, तो Gauss's exclusion principle नहीं लगेगा. लेकिन अभी more recent study मिला, यानी कि नया study हमें मिला है, do not support such gross generalization. नए study में बोला गया नहीं, Gauss's का rule हर जगह नहीं लगता. बोले मतलब देखिए, while they do not rule out the occurrence of interspecific, उन्होंने बोला कि देखिए interspecific competition होता है, मैं मना नहीं करता, they point out that species facing competition might evolve mechanism, उन्होंने अपने अंदर में कुछ mechanism evolve कर लिया, अपने अंदर mutation लेते आया, कुछ changes लेते आया, खाने का, तुम fruit खाओ, हम seed खाएंगे, तुम छिलके खाओ, हम insect खाएंगे, हम दूसरी चीज खा लेंगे, अपने अंदर बदलाव लेते आए, देख लीजिए। Evolve mechanism that promote coexistence rather than exclusion. उन्होंने आपस में जीना सीख लिया। One such mechanism is resource partition. खाने का बंटवारा कीजिए। If two species compete for the same resource, अगर दो species same resource के लिए लड़ रहे हैं, they could avoid competition by choosing for instant different time. एक ही चीज खा रहे, दोनों को fruit खाना है, तो एक शाम में खा, एक सुबह में खा। सेम अगर खा रहे हैं तो दे कुड अवॉइड कंपटीशन बाय चूजिंग फॉर इंस्टेंट डिफरेंट टाइम फॉर फीडिंग और डिफरेंट फॉरेजिंग पैटर्न, खाने चुनने का टाइम लेने का टाइम अलग अलग कर लीजिए। मैक आर्थर ने बताया, सो दैट फाइव क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ वार्बलर बर्ड के पांच स्पीसीज हैं, एक ही प्लांट पे हैं, लिविंग ऑन द सेम ट्री व्हाइल एबल टू अवॉइड कॉम्पिटिशन, उन्होंने कॉम्पिटिशन अवॉइड कर लिया, साथ में रहना सीख गए ड्यू टू बिहेवियरल डिफरेंस इन देयर फॉरेजिंग एक्टिविटीज, खाना चुनने का, खाना खाने का तरीका उन्होंने चेंज कर लिया, कोई नीचे है, कोई ऊपर है, कोई अलग है, अलग अलग तरीके से वो खाना चुन रहे हैं, अपने आप को कॉम्पिटिशन से बचा लिया। चलो बताओ किसे किसे क्लियर हो गया कॉम्पिटिशन, बोलो फटाफट। सर इंटर स्पेसिफिक मतलब जो आपने ये बताया कि एक दिन तुम खाओ एक दिन मैं खाऊं, ये तो मतलब स्पेशीज के बीच में जो मतलब रिलेटेड है आपने बताया इंटर स्पेसिफिक। देखो वार्बलर के सिंपल है, मैं भी आम खाना चाहता हूँ, मंकी भी आम खाना चाहता है, तो दोनों में अब बोलेंगे भैया मंकी साहब आप ऐसा करो रात में खा लेना, यार दिन में मैं खा लेता हूँ, हाँ तो हम लोग बच सकते हैं, तुम भी खा लोगे हम भी खा लेंगे, भूखे कोई नहीं मरेगी, ठीक है। लेकिन मंकी बोले नहीं भैया हम दिन में ही खाएंगे, हम भी बोल रहे दिन में खाएंगे, तो ऐसा कर लेते कि बेटा तू छिलका खा ले मैं आम खा लेता हूँ, तू गुठली खा लेना, तो ये भी करके हम कॉम्पिटिशन से बच सकते हैं, तो हम कॉम्पिटिशन से बच के एक साथ रह सके, क्योंकि कंपटीशन करेंगे तो एक्सक्लूड तो होना है, एक ना एक तो एक्सक्लूड हो जाएंगे, क्या करें, बचने का तरीका ढूंढ रही। तो यहां तक पढ़ लेना, अगले क्लास में हम लोग आगे कंप्लीट करेंगे। डन, समझ में आ गई? सर क्योंकि यहां पर डिफरेंट स्पीशीज है, इसलिए यहां पर इंटर स्पेसिफिक यूज किया ना। हाँ, और एनसीईआरटी ने ये देखिए, एनसीईआरटी ने यहां लिखा भी है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, देखिए डार्विन से स्टार्ट किया है,
नाम उन्होंने लिखा है, इट वॉज कन्विंस्ड दैट इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन इज इंपॉर्टेंट फॉर इन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन. देखिए वार्बलर के 5 बर्ड्स थे, कॉम्पिटिशन हुआ, उन्होंने बोला नहीं कॉम्पिटिशन अवॉइड करना है, तुम छिलके खाओगे, हम फ्रूट खाएंगे, हम इंसेक्ट्स खाएंगे, अपने अंदर बदलाव लाए, और बदलाव लाए तभी तो नई स्पीसीज बन रही है, तभी तो नया स्पीसीज बनेगा ना. अलग अलग स्पीसीज कैसे बनेंगे, इवोल्यूशन कैसे आएगा, क्योंकि कंपटीशन हुआ और कंपटीशन में एक दूसरे में बदलाव लाई. अगर जिंदा रहना तो बदलाव लाई भाई, बदलाव आएगा तो नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा. चलिए ठीक है, फिर कर लोगे सभी लोग. सर वैसे सीयूसीटी के फॉर्म्स आ गए? हाँ वो फॉर्म तो आ गया है. और सर नीट वाले जो बोल रहे थे वो मेरे से इस वीक में आ जाए. ओके सर. चलो ठीक है, क्लोनिंग वेक्टर का मुझसे मांग लेना ना, मुझे कभी कभी मैं भूल जाता हूँ, अब मांग लीजिए क्लोनिंग वेक्टर. चलो ठीक है.